गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम मर्चेंट बैंकिंग का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। मर्चेंट बैंकिंग की फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है, मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट करने के लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, वो गाइडलाइंस क्या होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कैसे हमें उसको रेगुलेट करना है, ये सब हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। यूनिट 2 हमारी है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? जो भी सर्विसेज आपको एक फिनेंस इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल बैंक अगर आपको कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो लोन जो आपको एक तरह से ये सर्विस आपको जो प्रोवाइड की गई है, इन सर्विसेज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। बट यहाँ पर जो मर्चेंट बैंक है वो आपको दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपको फिनेंस भी प्रोवाइड करता है और साथ ही आपको एडवाइस और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम अपने फिनेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एडवाइस भी आपको दी जाती है। यहाँ पर जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है वो फिनेंशियल नेचर की होंगी और फिनेंस इंडस्ट्री जो है वो आपको नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ बताएंगे कि किस तरह से हम अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक है, क्रेडिट कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कंज्यूमर फिनेंस कंपनीज़ हैं, ये सब कंपनीज़ जो हमें एक फिनेंस और एक मनी की फॉर्म में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ भी और उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब भी हमें एक जो पाथ बताया जा रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, अभी मैंने आपको एक नॉर्मल वे में बोला कि मनी से रिलेटेड जितने भी काम किए जा रहे हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं। इसके कुछ फंक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से काम हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जैसे कि नंबर 1, फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब आप सबको पता है, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। हमारी इकोनॉमी में जो भी काम किया जाता है बिजनेस में, वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है, गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज विद अ पर्पज़ टू अर्न प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट हमें अर्न करना है उसे किस तरह से मैनेज करना है। दूसरा पॉइंट है मोबिलाइजिंग सेविंग्स। अब आपको ये पता है कि जो सेविंग्स हैं वही क्या बनती हैं, इन्वेस्टमेंट बनती हैं, बट वो सेविंग्स को हमें कैसे एनकरेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेविंग कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेविंग करेंगे तभी वो इन्वेस्टमेंट बन पाएगी। नेक्स्ट इज़ एलोकेटिंग कैपिटल फंड्स। अब ये जो सेविंग्स हैं वो आपकी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स बनेंगी, बट वो इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर हमें एलोकेट कैसे करना है, एलोकेट का मतलब हमें आगे फर्दर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी हम किस में करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज में। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग मैनेजर्स। अब ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, वो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उसको मॉनिटर भी किया जाता है, उसको चेक भी किया जाता है कि जो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो सही तरह से उसको एलोकेट, सही तरह से उसको मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप मॉनेटरी टर्म्स के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर कभी ना कभी या किसी भी तरह का कोई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग रिस्क। वो जो रिस्क दिया गया उस रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है, किस तरह से रिड्यूस करना है, ये सब भी किसके हेड में आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड में आता है। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कंसर्न है किसे, डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, साथ ही साथ एडवाइजरी सर्विसेज इंडिविजुअल्स को भी और बिजनेसेस को भी कि किस तरह से आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को, किस तरह से आपने फिनेंशियल प्लानिंग करनी है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह से आप फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं उसके क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, कस्टमर स्पेसिफिक। यहाँ पर हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होता है? कस्टमर के ऊपर होता है। जिस तरह का कस्टमर है, जिस तरह की उसकी नीड्स हैं, उस स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम उसको उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मार्केट सर्वे किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, हम सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स, गुड एंड सर्विसेज, गुड्स में बोलते हैं, बट यहाँ पर सर्विसेज में भी
नई नई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैरिज लोन है, एजुकेशन लोन है, ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। डे बाय डे कस्टमर की नीड्स चेंज होती जा रही हैं, उन नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट इज इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल इन नेचर, जिसको आप देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ इसको फील कर सकते हो। जितनी भी सर्विसेज होती हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो सर्विसेज लेने के बाद हमें अच्छा लगता है, एक ब्रांड इमेज, एक गुड इमेज बनती है, बट आप उसको देख नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉन्कोमिनेंट, दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्शन की जाती है, यहाँ पर जो सप्लाई किया जाता है, जितने भी नए प्रोडक्ट्स आएंगे, जितना भी इनोवेशन किया जाएगा, उसको किस तरह से सप्लाई करना है। नेक्स्ट इज़ पेरिशेबल इन नेचर, इसको आप अपने पास संभाल के नहीं रख सकते हो, इसको आप स्टोर नहीं करके रख सकते हो, ये कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है। इट इंश्योर्स प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरह की डिमांड होगी उसी तरह के प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में सप्लाई करने होंगे। पीपल बेस्ड सर्विसेज, यहाँ पर पीपल बेस्ड फर्स्ट पॉइंट में भी हमने किया था, कस्टमर ओरिएंटेड यहाँ पर पीपल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मार्केट डायनेमिक्स। मार्केट डायनेमिक का मतलब क्या है? ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं है, एक नहीं है, डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग ये नए नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। ये जो पॉइंट्स हमने फीचर में डिस्कस किए हैं, इसको हमने फर्दर फिर से कैटेगराइज कर दिया 13 पॉइंट्स में, जिसमें आपने फंक्शंस और करेक्टरिस्टिक्स दोनों को कंबाइन करके एक्सप्लेन कर देना है। शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट इंटेंजिबल, मैंने आपको बताया था कि आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कस्टमर ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज इनसेपरेबल, अगर आप प्रोडक्ट को बना रहे हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, प्रोडक्शन और डिलीवरी साइड बाय साइड चलेगी, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। पेरिशेबल नेचर का है, स्टोर करके नहीं रख सकते हो। डायनेमिक है, अकॉर्डिंग टू चेंज हमारे प्रोडक्ट में भी चेंजेस आते रहेंगे। प्रोएक्टिव, एक्टिव नेचर का है, एक्टिव नेचर का मतलब है कि चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी चेंज होता रहता है। इंटरमीडिएटर है, इंटरमीडिएटर मींस के सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बैंक है जो आपको फिनेंस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक आपको फिनेंस प्रोवाइड कर रहा है और जो सर्विसेज आपको दी जा रही हैं वो एक कस्टमर को दी जा रही हैं। नेक्स्ट इज एड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर रिस्क को मैनेज करने के वेज भी बताए जाते हैं। नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव, यहाँ पर कोई भी मशीनरी से वर्क नहीं किया जाता है, लेबर इंटेंसिव है, लेबर जो है इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ वाइड सर्कुलेशन, वाइड सर्कुलेशन का मतलब है कि कोई भी काम है, कोई भी एक्टिविटी है, वहाँ पर हमें फिनेंस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो विदाउट फिनेंस हम उसको एप्लीकेबल कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड, यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट्स जब बनाए जाते हैं, इनोवेशंस की जाती हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो हमें नई नई तरह की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सेविंग्स को एनकरेज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स होंगी तो वही आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स बनेंगी। एलोकेटिंग कैपिटल फंड्स, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स बनेंगे वो आगे फर्दर हमें किस तरह से एलोकेट करने हैं जिससे वो फ्यूचर में इंक्रीज हो पाए। ये था आपका टॉपिक फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल सर्विसेज होती क्या हैं। सिर्फ इतना ही टॉपिक आज आपने प्रिपेयर करना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के फीचर्स क्या होते हैं। इन केस कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक में तो आप मैसेज करके या कॉल करके कन्फर्म कर सकते हैं। थैंक यू।